फंक्शन की डेफिनेशन तो पता ही है आप लोगों को। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी बताओ? एक रिलेशन है आपका कहाँ से कहाँ तक, किसी सेट ए से सेट बी में, है ना भाई? हाँ ठीक है, मान लेते हैं इसकी इमेज वाई भी मिल रही है हमें। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू सिंगल एंड यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट। यहाँ जो आपको एलिमेंट मिलते थे इसको हम लोग क्या बोलते थे भाई? डोमेन, या इसी को प्री इमेज बोलते थे। यहाँ पर वो सभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो मिलेंगे यहाँ पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका रेंज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज। ये जो पूरा होता है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। रेंज केवल वही जिस एलिमेंट्स के लिए यहाँ कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इमेज। इस डोमेन को ही हम लोग बोलते हैं प्री इमेज भी। इसी डोमेन को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ठीक है, डन। ये सब आइडिया है आपको पहले से ही, ठीक है? ये सब पढ़े हैं आपने ऑलरेडी, आपको क्लियर है आइडिया। जैसे मान लीजिए एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिए होते, सपोज करो कुछ एलिमेंट ले लिए सेट ए में 1 2 3, और यहाँ सेट बी में कुछ एलिमेंट हमने ले लिए, सपोज करो ए बी सी डी ले लिया हमने। ए क्या है आपका? 1 किससे कनेक्टेड है? ये है, या मान लेते हैं 1 की इमेज इस पे जा रही है, 2 की इमेज भी ए पे जा रही है, और 3 की इमेज किस पे जा रही है भैया? बी पे जा रही है। फंक्शन हमने डिफाइन किया है कहाँ से कहाँ तक? ए से बी में। इसका डोमेन क्या हो जाएगा भैया? डोमेन तो पूरा सेट ए ही हो जाएगा, डोमेन पूरा सेट ए हो जाएगा। इसमें क्या है? 1 2 3। रेंज या इमेज की बात करेंगे तो केवल वो एलिमेंट बात करेंगे जो इधर के किसी न किसी एलिमेंट से क्या है? कनेक्टेड है। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके? ए और बी। कोडोमेन की बात करेंगे तो पूरा ही सेट आ जाता है बी। कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा भैया? कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? ए बी सी एंड क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। ये सब पता है आपको पहले से ही, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ। मेन हमें ये सीखना है कि डोमेन और रेंज हम निकालते कैसे हैं, किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम इसका डोमेन और रेंज ईजिली क्या कर सकें? फाइंड कर सकें। ये हमें देखना है बेसिकली, है ना? तो डोमेन कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे, आज इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि डोमेन कैसे निकालेंगे, या डोमेन निकालने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास लेट, ठीक है, एफ मैप्स आर टू आर बी ए फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड एज कुछ ऐसे। मान लेते हैं कि y इक्वल टू सपोज करो कुछ एफ ऑफ एक्स टाइप का दिया है, और एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या क्या हो सकता है इसकी बात करेंगे, लेकिन कोई फंक्शन है रियल, रियल वैल्यू, रियल वैल्यूड का मतलब जो हमारा रेंज है वो रियल वैल्यू मिलेगा। हालांकि यहाँ डोमेन हमें हमने रियल ले लिया। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जो इसकी रेंज है, जो को डोमेन है, वो क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक है? तो इन जनरल हम फंक्शन को रियल वैल्यूड हम मानकर चलेंगे यहाँ पर। तो हम डोमेन कैसे निकालेंगे भाई? रियल वैल्यूड की बात करेंगे तो उसमें सभी आ जाएंगे आपके, नेचुरल होल नंबर सभी बात। लेकिन आर से आर में हमने देखा है फंक्शन डिफाइंड है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से, सपोज करो ये दिया है फंक्शन, इसको डोमेन की बात करेंगे हम। अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन को हमें निकालने के लिए क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना? अगर मान लीजिए आपका ये केस वन हम बात करते हैं, डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब वो सभी एक्स जिसके लिए फंक्शन क्या है? रियल वैल्यू होगा ना? क्या होगा ये? सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स, वो सभी एक्स का सेट जिसके लिए फंक्शन में क्या क्या हो भाई? रियल वैल्यूड हो। सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड, क्या होना चाहिए? वो रियल वैल्यूड। ऐसे सभी एक्स के सेट को हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। ये आप जानते हैं, डेफिनेशन में पढ़े हैं। देखिए कैसा होगा, रियल वैल्यू का मतलब रियल वैल्यू आनी चाहिए, रियल नंबर वाले में से कोई नंबर, कोई ना कोई इसका आंसर आना चाहिए रियल, ठीक है?
केस वन बात कहते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स मान लीजिए कुछ रूट में दिया है ना। अब मान लीजिए पहला केस दिया हमने, जैसे सपोज करिए इसमें दिया है एफ ऑफ एक्स इन या एफ ऑफ एक्स अंडर इवन रूट, अंडर व्हाट इवन रूट। इवन रूट का मतलब क्या है, जैसे स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, सिक्स्थ रूट है। इवन रूट का मतलब क्या है, जैसे कि क्या है स्क्वायर रूट है, या क्या है इसका फोर्थ रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितना होगा भैया, 1/2। फोर्थ रूट का मतलब पावर कितना होगा, 1/6 रूट है। जैसे मान लीजिए सिक्स्थ रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/6 एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी हो। अगर एफ ऑफ एक्स अंडर इवन रूट है, इवन रूट में का नाम क्या है, जैसे स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, क्या है सिक्स्थ रूट है। तो इस केस में जब हम डोमेन निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, देन इट्स डोमेन, देन इट्स डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, इट्स डोमेन ऑल एक्स या सेट ऑफ एक्स फॉर विच, ऐसे लिखो सेट ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, जीरो। उन सभी एक्स की हम बात करेंगे जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या तो क्या हो ग्रेटर देन हो, या तो इक्वल टू जीरो हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात करो, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव लिखा है। मान लीजिए एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स जिसमें क्या लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव। इसमें अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो हम उस एक्स की बात करेंगे जिसके लिए ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया है, रूट में जो एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स के लिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो जीरो होनी चाहिए, या तो जीरो से तभी ये रियल नंबर में डिफाइन होगा, नहीं तो जानते हैं रूट की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, आयोटा वगैरह हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो वह सभी एक्स होंगे फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब इस एक्स प्लस फाइव की वैल्यू या तो जीरो हो, या तो जीरो से क्या होनी चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या है, ये जरा बताओ, x इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अगर माइनस 5 से बड़ी लेंगे हम x की वैल्यू तो कहां तक जा सकते हैं मैक्सिमम, प्लस इन्फिनिटी तक। या तो इतना लिख दें, या तो सीधे इसका लिख दें कि इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, माइनस 5 पे इक्वलिटी है ना भैया, तो माइनस 5 पे क्लोज ब्रैकेट, और कहां तक जा सकते हैं मैक्सिमम, इन्फिनिटी तक। तो माइनस 5 से मैक्सिमम कहां तक लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा, आप जान ही रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कैसे ले लूं। ये इवन रूट है, स्क्वायर रूट है, कभी फोर्थ रूट आ सकता है, सिक्स्थ रूट आ सकता है, लेकिन सब में कॉन्सेप्ट यही लगेगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है, पहली बात केस वन की हम बात कर रहे हैं डोमेन के लिए, तो ये चीज होगी। अब इसमें देखो कभी कभी आपको एग्जाम्पल में मान लीजिए ऐसे भी इक्वेशन दिया जा सकता है, सपोज करो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमने दे दिया, सपोज करो रूट में हमने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 दे दिया। कंडीशन अभी भी निकलेगा फॉर रियल वैल्यू फंक्शन क्या होना चाहिए, या तो ये वैल्यू जीरो हो सकती है मैक्सिमम, या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। इस टाइप का इक्वेशन हमने खूब कराया है आपको, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये बताओ एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पर इसको देख रहे हैं तो ये कैसे बनेगा आपका, देखो भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 भी आएगी और क्या आएगी 3 आएगी, यहाँ 2 भी हो गया, यहाँ क्या हो गया, या तो इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और दी, ये वैल्यू में ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला रीजन हमारा पॉजिटिव होता है, ये रीजन हमारा नेगेटिव होता है, ये रीजन अगेन क्या होता है हमारा पॉजिटिव। इस रीजन में मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। उस रीजन में हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो x का रेंज ये बनेगा, इधर हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी थी, फिर उधर हम कहाँ से कहाँ तक लगते हैं 3 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ इक्वल टू सिंबल है तो इन पॉइंट्स पे हमें इक्वलिटी लेनी पड़ेगी,
क्योंकि इक्वल टू जीरो भी आ रहा है ना, तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा बताओ? डोमेन इनका यूनियन में आएगा, एक कहां से कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू, लेकिन इक्वलिटी है तो टू पे क्या बनेगा हमारा? फिर यूनियन कहां से जाएंगे भैया? थ्री से उठेंगे, थ्री पे इक्वलिटी है, इक्वलिटी है ना यहां तो, कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। अगर इस तरह का रूट में कोई फंक्शन दिया है तो उसका डोमेन किस तरह से निकालेंगे पहले ये दिमाग में रखिए बात, समझ गए? एक्स की वैल्यू क्या क्या लेंगे हम, ये बात समझना है? कोई टेंशन वाली बात हो बताओ, है ना? इवन रूट होगा तो कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना? चलो अब ये बात हो गया, केस टू की बात करते हैं। अगर ऑड रूट है, हाँ सर, अगर वो अगर ऐसा दे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में डिवाइड वाला दे दे, तब तो डिवाइड वाला हमने कहा था सबको लेना पड़ेगा ना बॉस? तो सर उसका हम इसे बताइए। चलिए ठीक है ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए देखिए ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज करो ये दिया, चलो हम लिख लेते हैं भाई, हाँ तो नेगेटिव नहीं लेना है इसीलिए कंडीशन हमने बताया ना। अभी आप जो ये कह रहे हैं ना बॉस, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 है, मान लो यहाँ हमने नीचे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 ऐसे कुछ समथिंग। अभी ये फंक्शन के अपॉन वाले वे केसेस भी हम बताएंगे, पहले तो एक एक करके बढ़ो ना, जैसे अब इसी को समझना चाहते हो तो हम क्या बताते हैं आपको, चलिए केस टू देखिए, ध्यान में रखिएगा। चलो अभी वो केसेस हमें देखने हैं, लेकिन चलो एक हम सिचुएशन ले लिए, मान लीजिए इस तरह का कोई फंक्शन मिल गया आपको तो उस केस में क्या करेगा? अगर मान लेते हैं, लिखो जरा, इफ डी वन एंड डी टू आर डोमेन्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, डी वन किसका है? एफ ऑफ एक्स का डोमेन है, और डी टू किसका डोमेन है भैया? g ऑफ x का है रिस्पेक्टिवली, देन यहां पर सिचुएशन देखो, पहले डोमेन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या होगा? ये आएगा भैया d1 इंटरसेक्शन d2, दोनों फंक्शन से डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो आएगा जो कॉमन रीजन होगा वो इनका क्या हो जाएगा? डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हमेशा क्या आएगा? इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब दोनों फंक्शन का क्या लेंगे? दोनों फंक्शन का जो डोमेन है उसका क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो इनका जो कॉमन डोमेन होगा वो आ जाएगा, समझ गए ना? कॉमन एक्स, जो भी एक्स है यहां पर वेरिएबल, वो इनका क्या आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा। बात समझ में आई इतनी? लेकिन अगर यही चीज ये हो, दूसरा समझो, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी क्या होगा आपका? इन दोनों का क्या होगा भैया? इंटरसेक्शन होगा। दोनों फंक्शन के अलग अलग हमने डोमेन निकाले थे, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वही इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। अगर दो फंक्शन डिफरेंस में दिए हैं तो, दो फंक्शन डिफरेंस में दिए हैं तो दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ओके, इसी में आओ तीसरा चीज, तीसरी सिचुएशन कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ये भी क्या होगा? अगर प्रोडक्ट में दिए हैं तो दोनों रीजन का क्या होगा भैया? इंटरसेक्शन होगा। दोनों फंक्शन का अगेन क्या लेना पड़ेगा मुझे? डोमेन का इंटरसेक्शन। दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे फिर दोनों का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। जो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा वही इनका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आई हमारी? पोटेंशियल वाली बात हो बताओ, आगे बढ़े। चलिए ठीक है ना, अब आते हैं आगे। अगर मान लीजिए यही चीज रेशियो में दिया है तो, इनका कोसेंट में दिया है तो, अब हमने कह दिया डोमेन ऑफ, ये खास है ध्यान में रखना, हमने कह दिया डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसका आएगा डोमेन ऑफ मतलब इंटरसेक्शन डी वन
डी टू माइनस ऑफ, ये सभी x हमें माइनस कर देने हैं जिसके लिए g ऑफ x क्या हो, जीरो, वो सेट, जिसके लिए g ऑफ x क्या हो वो हमें इसमें से माइनस कर देने चाहिए। इसका मतलब दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन माइनस का वो पॉइंट्स हमें x के यहाँ से सबट्रैक्ट कर देने चाहिए, वो पॉइंट यहाँ से सबट्रैक्ट कर देने चाहिए जहाँ पर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जिस x के लिए x फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहेगी, जीरो हो रही, मतलब g ऑफ x की वैल्यू जहाँ डिनोमिनेटर वाली जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जिस x की वैल्यू के लिए जीरो हो रही होगी उसको हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम्हारा ये वाला है सोल्यूशन, ये लास्ट वाला केस, फोर्थ वाला। अब इसको कराते हैं जरा, देखिए चलो ये किस समझ में आया तुम्हें, तुम्हारा जो फंक्शन है इसको हम लेते हैं, चलो लिया जाए, इसको करें, चलो लिख लिए इसको, है ना, लिख लिए थे ना। देखो तुमने जो क्वेश्चन बोला वो मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का क्या है 6 है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का क्या है 2। देखो दोनों ये तो रूट में दिए हैं, चाहो तो रूट हटा भी सकते हो सिंपलिसिटी के लिए, चलो मान लीजिए, क्योंकि दोनों को मिक्स करेंगे तो अभी आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, हम दोनों को अभी एक रूट में भी ले लेंगे कोई फंक्शन, पहले समझो यहाँ से इसको। अब ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x जैसी सिचुएशन है कि नहीं, f ऑफ x अपॉन g अपॉन x, g ऑफ x जैसी सिचुएशन है जो हमने फोर्थ वाला केस डिस्कस किया। पहले फंक्शन f ऑफ x का डोमेन निकालो, f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। जब इस तरह का फंक्शन होगा तो हर एक x की वैल्यू के लिए डिफाइन है कि नहीं, ये हर एक x की वैल्यू के लिए डिफाइन है कि नहीं, जब ये हर एक x की वैल्यू के लिए डिफाइन है तो जरा मुझे बताओ यहाँ क्या बनेगा, इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन अगर मैं d1 मानूँ तो इसका डोमेन पूरा r आ जाएगा क्या, अरे पूरी पूरी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा ना, x की कोई भी वैल्यू रख देंगे कुछ न कुछ वैल्यू तो आ ही जाएगी इसकी, तो पूरा पूरा r आ जाएगा f ऑफ x के लिए। लेकिन जब g ऑफ x की हम बात करेंगे, यहाँ देखिए, जब आप g ऑफ x की बात करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या दिया है 2, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई, g ऑफ x की वैल्यू जीरो हो गई तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट वाली सिचुएशन बनेगी ना, तो कहां कहां जीरो होगा पहले वो टर्निंग पॉइंट हम निकालें, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा जरा देखो, ये आएगा x माइनस 2 और क्या आएगा x माइनस 1। इसका मतलब जब x की वैल्यू मैं 1 लूंगा और 2 लूंगा उस केस में g ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। डोमेन के लिए एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना इसको, ये केस क्या है तुम्हारा 3, इसको ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर अगर फंक्शन में क्या दिया है, डिनोमिनेटर दिया है ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर अगर दिया है, कोई फंक्शन दिया है डिनोमिनेटर में किसी में, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, उन सभी एक्स की हमें तलाश रहेगी, जिस एक्स के लिए डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो रहा होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने डोमेन में, हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गया ना। इसका मतलब कि अब इसका जो डोमेन निकालेंगे तो इसका जो डोमेन होगा ना भैया वो सभी आर होगा, लेकिन वो हमें एक्स माइनस करना पड़ेगा जिसके लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है भैया, जीरो हो रहा है, उन सभी एक्स को हमें माइनस करना पड़ेगा जिनके लिए ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है फंक्शन का, जीरो हो रहा है। जैसे इस केस में इस जी ऑफ एक्स का भी डोमेन क्या होगा, पूरा पूरा रियल नंबर आ जाएगा, पूरा पूरा रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन लेकिन क्या नहीं आएगा इसमें, वन और टू हमें नहीं लेना पड़ेगा, इसको माइनस करके लिखेंगे, क्यों, पूरे आर के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन जैसे ही एक्स की वैल्यू वन और टू ले लेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो उस केस में फंक्शन हमारा रियल वैल्यू नहीं, फंक्शन ही नहीं रहेगा, फिर नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन बन जाएगी, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस वन माइनस टू, आर माइनस वन माइनस। अब इसका हमें क्या निकालना है,
इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स हमने पहले माना था, इसको मान लेते हैं एफ ऑफ डैश एक्स है। अब इस एफ डैश एक्स का अगर हमें डोमेन निकालना है तो कैसे निकलेगा, इन दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन, इन दोनों फंक्शन का क्या करेंगे, और वो हम वैल्यू, वो एलिमेंट हम माइनस करेंगे उसमें, वो एलिमेंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो दोनों में नहीं है। अब जैसे इसमें ये आ गया, अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो बॉस देखो क्या आएगा, इसका मतलब डोमेन ऑफ, जरा देखना, डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स ये क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ डी वन एंड डी वन क्या आ रहा है जरा बताओ, आर आया, इंटरसेक्शन ऑफ ये क्या आया, आर माइनस, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू लिखा जाता है, आर अपने आप में आर माइनस वन बाई टू से बड़ा है कि नहीं, आर अपने आप में आर माइनस वन बाई टू से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब मिनिमम कॉमन डोमेन में यही हो सकता है, मिनिमम कॉमन तो दोनों में यही होगा ना, आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है, लेकिन इस आर में भैया वन और टू नहीं है, इसका मतलब इनके कॉमन में पूरा आर आ जाएगा, बस वन और टू नहीं आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आर माइनस में क्या लिखोगे आप, वन माइनस वन इंटू, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस वन कॉमा टू। बात समझ रहे हो भाई, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों को कॉमन लेते हैं हम, दोनों का कॉमन लेंगे तो भैया इसका आर हो गया, पूरा पूरा आर आ जाएगा, सेकंड वाले का भी पूरा पूरा आर ही है, सेकंड का भी पूरा पूरा आर ही है, लेकिन बस दो एलिमेंट को छोड़ रहे हैं, कौन कौन से, वन और टू को, वन नहीं लेना है और टू नहीं लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है, हम कॉमन रीजन की बात करते हैं तो पूरा पूरा आ जाएगा कॉमन, बस क्या कॉमन नहीं आएगा, वन और टू दोनों में नहीं आएगा, किसी एक ही में आएगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन एलिमेंट लिखा जाता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट लिखा जाता है, तो वन और टू इसमें नहीं आएगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस वन कॉमा टू। बात समझ में आई, जल्दी से नोट करो, चलो फटाफट फटाफट जल्दी करो भाई, लिख लीजिए इसको, एक तो पानी था ना इसका, ये पानी गया है ना, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट करो, अरे यहाँ नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, जल्दी से करो, अभी समझ गए कैसे, समझ में आया ना ये कैसे, जल्दी करो भाई, जल्दी करो बॉस, एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, देखो जरा हटाए से, ठीक है ले लेते, चलो एक पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, आप जरा देखिए, अगर हमने कहा होता कि f ऑफ x इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू है तो इसका डोमेन क्या आएगा भाई, वो सभी रियल नंबर आ जाएगा, सभी r, सभी x के लिए डिफाइन है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, टू, तो r माइनस में क्या लिख दूंगा, डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा, बस किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, r में से माइनस कर देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा डोमेन, हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो ना, तुम जो कह रहे हो क्वेश्चन, कि जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है अभी आया कि मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू या कोई भी फंक्शन है, ये रूट में मान लेते हैं x अपॉन x प्लस वन है, ये कह रही है हमारा फंक्शन, ये ऊपर वाला तो सभी के लिए है ना, अगर मैं इसको f1 f2 मान लूँ, कि मान लीजिए फंक्शन f1 है, ये वाला फंक्शन क्या है f2 है, सपोज करो रूट में है तो दोनों वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, तो ये भी भाई x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो जीरो होनी चाहिए या तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, अगर इसके लिए मैं देखूँ तो f ऑफ वन क्या है,
रूट में सबका भी देख लेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव हमें लेनी है। एफ ऑफ वन क्या है जरा बताओ, या मैं पूरे को एक साथ ही लेकर कर रहा हूँ, सपोज करो हम पूरे को एक साथ लेकर कर रहे हैं, तो क्या होगा जरा देखो, किसी भी तरीके से करो, बस आएगा हर चीज। अगर हम पूरे को साथ लेकर करेंगे तो क्या होगा जरा देखो, ये x अपॉन x प्लस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जीरो। और हमने कहा इस x प्लस वन को भी मुझे इसके साथ एब्जॉर्व करना पड़ेगा, तो x प्लस वन से पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, अब जो x प्लस वन था नीचे वो भी हमने ले लिया, डिनोमेटर को सीधे मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं करना, इसका मतलब आपने इसको इग्नोर किया जबकि एक्सप्रेशन में है ना। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो ये x x प्लस वन यहाँ रिकॉर्ड क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू वन आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। लेकिन x की वैल्यू माइनस वन नहीं लेनी है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस वन लेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमीटर जीरो हो जाएगा ना, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इंटरनल में देखें दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वाले रीजन कौन कौन से हुए हमारे, ये हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये क्या हुआ, ये x की वैल्यू जीरो है, ये x की वैल्यू क्या है, माइनस वन, सॉरी माइनस वन को हम लेफ्ट में लिखेंगे, छोटी वैल्यू ये बड़ी होगी। यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, ये जीरो हो गई, सॉरी ये माइनस वन हो गई, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। माइनस वन पे इक्वलिटी नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि माइनस वन हमने जैसे ले लिया डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अभी हमने बताया ना कि इस, लेकिन जीरो पे तो इक्वलिटी ले सकते हैं ना बॉस, जीरो पे इक्वलिटी हम ले सकते हैं, लेकिन इस पर हम इक्वलिटी नहीं ले सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, डोमेन क्या आएगा बताओ जरा, डोमेन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहले बताओ माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक जाएगा, माइनस वन तक जाएगा कि नहीं, माइनस इन्फिनिटी माइनस वन तक जाएगा, लेकिन वन पे इक्वलिटी है क्या, नहीं, तो कौन सा ब्रैकेट बनाए, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि माइनस वन पे इक्वलिटी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमीटर हमारा जीरो हो जाएगा ना, डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। फिर बताओ और कहाँ से मिलेगा, जीरो से, तो यूनियन जीरो से जाए भाई, लेकिन जीरो पे तो इक्वलिटी आ सकती है ना, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाए, कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी, समझ गए ना, ये लिखें। अब इसी को इसी चीज़ को आप अदर वे में कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। F1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जरा देखिए F1 का क्या आएगा डोमेन, F1 क्या है, F1 x इक्वल टू क्या है, x ही है, रूट में x है मान लेते हैं, दोनों को रूट में अलग अलग मान लेते हैं भाई, रूट में लिखा है पूरा फंक्शन, तो इसके लिए डोमेन क्या आएगा, F1 के लिए ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसके लिए जीरो आना चाहिए। अभी देखो लिखाता हूँ, एफ ऑफ टू के लिए अगर मैं बात करूँ तो, मतलब f2 x के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो f2 x क्या होगा जरा बताओ, वन अपॉन रूट में क्या हो गया, ये x प्लस वन। अब यहाँ पर इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन नहीं ले पाएंगे, इक्वल टू जीरो कंडीशन ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा, नॉट डिफाइन वाला केस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डोमेन में क्या x आएगा, इसका डोमेन अगर d2 है तो इसके लिए x प्लस वन इस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। अगर x प्लस वन इस ग्रेटर देन ये होना चाहिए, इसका मतलब x इस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस का, माइनस वन से बड़ी लेंगे वैल्यू तो हम कहाँ तक जाएंगे मैक्सिमम, माइनस वन से कहाँ तक जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक। तो माइनस वन से लेंगे इसको भैया, इक्वलिटी नहीं है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। अगर इसको हम लिखें इस तरह से तो x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, जीरो पे इक्वलिटी है तो जीरो, और जीरो से बड़ी हम कहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अब दोनों को कॉमन रीजन हमें लिखना होता है, दोनों का क्या करना होता है हमें, कॉमन रीजन लिखना होता है। अब भैया आ जाओ इंटरसेक्शन की बात करते हैं ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन सा रीजन। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, वो जीरो से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब जीरो से हम राइट साइड में पूरे चले गए अपना, ठीक है। और देखो ये d2 कितना आ गया तुम्हारा, माइनस वन से कहां तक गए हम, इन्फिनिटी तक। इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात, इसमें भी पूरा पूरा आर ले सकते थे हम, लेकिन हमें वन को माइनस करना पड़ेगा, पूरे पूरे आर को लेंगे लेकिन ये फंक्शन हमारा नेगेटिव होगा, इनको हम कलेक्टिवली भी देखेंगे क्योंकि दोनों साथ में है ना, ये दोनों फंक्शन क्या है, साथ में है, तो इनको मुझे मजबूरी में साथ में देखना पड़ेगा।
अब ये माइनस वन से इन्फिनिटी के लिए डिफाइन है, ये किसके लिए डिफाइन है जरा देखो, जीरो से इन्फिनिटी के लिए। लेकिन एक्स की वैल्यू हम बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं जो माइनस वन से क्या है, छोटी है, तब भी ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू अगर हमने माइनस टू ले लिया तो एक्स की वैल्यू हमने माइनस टू ले लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस टू नीचे आएगा, माइनस टू प्लस वन कितना होगा, ये माइनस वन, तो माइनस टू अपॉन माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रूट टू। रूट टू रियल नंबर है कि नहीं अपने आप में, है रियल नंबर, तब भी फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड है कि नहीं। तो और भी सारे x के लिए डिफाइन है, एंड यहां देखना, एंड अगर इनको हम साथ देख रहे हैं तो x अपॉन x प्लस वन रूट में अगर हम इसको एक साथ देख रहे हैं इज डिफाइंड फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, माइनस का टू, या फॉर x फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन माइनस वन या लेस देन माइनस वन, जो भी करो ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन कर लो, दोनों में आएगा ये, फॉर ऑल x इज लेस देन माइनस वन, फॉर ऑल x इज लेस देन माइनस वन के लिए भी तो डिफाइन है। अगर इसको हम साथ में लेंगे तो ये x माइनस वन के लिए भी तो पूरा पूरा फंक्शन डिफाइन है। तो x इज लेस देन माइनस वन का मतलब इसका डोमेन क्या आ जाएगा, जरा बताओ, माइनस वन से छोटा कहां तक जा सकते हैं, माइनस इंफिनिटी तक, माइनस वन पे इक्वलिटी नहीं लेनी है, ये लेनी है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो अब इस वाले केस में क्या करिएगा, तीनों को कंबाइंड करिएगा, तो हो सकता है सोचना थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसीलिए फंक्शन को सॉल्व करने का कोई एक ही यूनिटरी मेथड मत लेकर चलिएगा, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे यहां फैक्टर दिया है हमने, आसानी से बनाया, फटाफट काम बन गया अपना, ये है फंक्शन, हमने इस डिनोमिनेटर को भी इसमें ऑब्जर्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये फैक्टर बन गया, ये चीज होगा। बस इसका हमें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो माइनस वन नहीं लेंगे, जीरो हो सकता है, इसलिए ये पूरा बन जाएगा, ये हो गया इसका क्या डोमेन हो गया। बात हमारी समझ पाए, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा डोमेन हो जाएगा। तो ऐसे निकालिएगा इसको, तभी जाकर बात बनेगा, ठीक है, समझे कि नहीं? ब्रेक लेना, बाकी तो क्या ही कहें, आने को तो ठीक। अब देखते हैं बरा, कितने केसेस लिखे भाई जरा बताओ, कितने केस लिखे अभी हम लोग, टू हो गया था, थ्री भी डिस्कस किए ना हमने, केस थ्री भी डिस्कस किया हम लोगों ने, हाँ केस थ्री भी हो गया था। अब केस फोर की बात करते हैं भैया, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए ध्यान रखना। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ एक्स बेस में क्या दिया, ए। तो आप जानते हैं लॉग ऑफ एक्स किसके लिए डिफाइन होता है, बोलो भाई, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, फॉर एक्स, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये मेंटिसा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ये जो a है इसका बेस है, लॉग का जो a है ये क्या है, जो बेस है, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता और a कभी भी वन के भी इक्वल नहीं हो सकता, a जीरो भी नहीं हो सकता और a कभी भी वन के भी इक्वल नहीं हो सकता। हाँ बहुत सारी वैल्यू, नेगेटिव का मतलब जीरो से वन या जीरो से बड़ी वैल्यू होगी, माइनस में ही लेंगे, ये नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये लेस देन जीरो नहीं होगा, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तुम्हारे हिसाब समझने के लिए इसको, ये लेस देन जीरो नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर समझना चाहते हो तो ये कभी भी नहीं, या इसको लिख दें ग्रेटर देन जीरो,
इधर इधर, ये समझो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। हाँ, वन नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर में तो वन भी आ जाएगा ना। ए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बेस पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वन पॉजिटिव का मतलब जीरो पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब वन से छोटी वैल्यू हो सकती है लेकिन पॉजिटिव हो, वन नहीं होना चाहिए, वन से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए लॉग का कोई फंक्शन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, जैसे समझिए इक्वेशन समझिए आप, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमने दिया, अब यहाँ दिया हमने लॉग ऑफ सपोज करो एक्स प्लस टू दे दिया हमने, और यहाँ दे दिया हमने बेस में चलो टू दे दिया, बेस में हमने क्या दिया टू, तो हमने बताया कि ये जो मैंटिसा है लॉग के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब x प्लस टू इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस का टू। तो अगर मैं इसका डोमेन लिखूं तो क्या होगा, जरा बताओ, डोमेन वो सभी x हो जाएंगे जिसके लिए ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव आ रही है, तो वो x किसके लिए है, x इज ग्रेटर देन माइनस का टू। तो माइनस टू से अगर हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी वो ओपन नहीं लेंगे, मतलब क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे तो ओपन आएगा, माइनस टू से बड़ी वैल्यू लेनी है तो यहाँ भी ओपन इंटरवल आएगा। रूट वाले में ग्रेटर आर इक्वल टू दोनों लेते हैं, लॉग वाले में केवल ग्रेटर देन लेते हैं, इसे मतलब इसी लॉग में अगर आपको ऐसे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे इसी लॉग में मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर, या मान लेते हैं लॉग में लिख लेते हैं इसको, दिया इसमें मान लो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का क्या दे दिया 6, बेस में मान लो हमने कुछ दे दिया, चलो 3 दे दिया हमने, तो ये वैल्यू केवल हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, जीरो। अभी हमने इसको फैक्टराइज किया था, ये x माइनस 2 और ये क्या आया x माइनस 3, ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो। इंटरवल आपने इस तरह से ड्रॉ किया, ये वाली वैल्यू कौन सी है आपकी, 2 है, ये कौन सी है, 3, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये क्या होगा, ऑनली ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसके मैं डोमेन की बात करूंगा तो इक्वलिटी नहीं लेंगे, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये 3 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव वाला रीजन लेना है ना, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव रीजन, तो ये कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक है, लेकिन दोनों पे इक्वलिटी नहीं है, 2 पे भी इक्वलिटी नहीं लेंगे, नहीं तो ये जीरो आ जाएगा बस, और यूनियन कहां से, 3 से इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन आ गया, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये तो ठीक है, बेस में भी मान लीजिए कुछ दे दिया तो, हाँ क्वाड्रेटिक भी दे सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन लेते हैं छोटा सा एग्जांपल समझो, ऐसे जैसे मान लीजिए एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है, यहाँ दिया है लॉग ऑफ, सपोज करो चलो यही दिया है, जैसे हमने ले लिया मान लो यहाँ एक्स प्लस 3 दे दिया, यहाँ हमने दे दिया एक्स प्लस 1, बेस में हमने क्या दे दिया एक्स प्लस 1, अब हम पूछ रहे इसका डोमेन बताओ, तो मेंटिसा के लिए अलग कंडीशन लगाएंगे, बेस के लिए अलग कंडीशन, मेंटिसा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। तो x प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन माइनस का 3 आएगा कि नहीं, एक हो गया। अब बेस के लिए आएंगे तो बेस के लिए दो कंडीशन है कि x प्लस 1 आपका कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, एंड x प्लस 1 आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एंड यहां से इसको देखेंगे तो x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस का 1। अब इन तीनों को कंबाइन करेंगे, पहले में क्या कह रहा है वो, फर्स्ट सिचुएशन में क्या है भाई बताओ, x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 3 है, तो ये मान लो माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1, 0, 1, 2 और ये क्या है 3। पहले वाले केस में आ जाओ, हाँ ठीक, छोड़ के आ जाओ, ठीक, आ जाओ, ठीक है, लॉक करके जाए ड्रॉवर में, नहीं तो 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट, बस डन, फाइनल है।
तो भाई ये हो गया x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस थ्री, माइनस थ्री से वैल्यू बड़ी होगी कहां तक जाएंगे भाई, ग्रेटर देन है तो इक्वलिटी रहेगी क्या इस पे? नहीं, यहां से जाएंगे, ये किसके लिए है, x इज ग्रेटर देन माइनस थ्री के लिए है। दूसरा जाओ, और क्या कह रहे हैं बताओ, x इज ग्रेटर देन माइनस वन, x इज ग्रेटर देन माइनस के लिए वन है ये है, यहां तक जाएंगे कि नहीं, ये कौन से इक्वेशन के लिए है, x इज ग्रेटर देन माइनस वन के लिए। फिर कह रहा है x की वैल्यू वन जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इन दोनों केसेस में हमें x की वैल्यू जीरो भी नहीं लेनी है, ये भी वैल्यू नहीं लेना है, ये ध्यान में रखिए। तो हम जब डोमेन की बात करते हैं तो कॉमन वाले रीजन को लिखते हैं, इसका देखिए माइनस वन से जा रहा है, इसका कहां से जा रहा है, माइनस वन से जा रहा है, इसका माइनस थ्री से जा रहा है, इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, यहां से यहां तक हो गया, ये माइनस वन से, माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी तक हो रहा है कि नहीं, मतलब माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी तक हो रहा है, लेकिन बीच में जीरो नहीं आना चाहिए, तो डोमेन क्या होगा इसका, इसका डोमेन क्या होगा, बस पूरा माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, बात समझ में आया, समझ रहे हैं सिचुएशन क्या है, इस तरह से डोमेन निकाला जाता है, यह ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाकर आपका क्या निकलेगा, डोमेन निकलेगा बॉस, समझ रहे ना, कैसे कैसी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, बस ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात, बोल बस, हाँ समझ रहे हैं इसमें, बोलो, हाँ लिखोगे तो मैं एक चलते चलते बता दूँ, बस लिख लो, गया एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है, सपोज करो हमने दे दिया एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन दिया, चलो हमने, अब हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सेवन डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, बाकी एक्स की चाहे जो भी वैल्यू रखी है फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, तो अब ये देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू क्या होगा, जब x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का रूट सेवन आएगा, जब x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का रूट सेवन आएगा, x की वैल्यू माइनस रूट सेवन लेंगे तब भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस सेवन आएगा, प्लस रूट सेवन लेंगे स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, सेवन, तो इस केस में इसका डोमेन क्या आ जाएगा, पूरा पूरा आर आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, माइनस के रूट सेवन और प्लस का रूट सेवन, तो ये हमें माइनस कर देना चाहिए, यही तो हमने समझाया, तो जो हमने तीन चार बातें आपको बताई, चार केसेस डिस्कस किए, इन पॉइंट्स को माइंड में रखोगे तो डोमेन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डोमेन निकल गया तो वही वैल्यूज रख के हम क्या निकालते हैं, फिर रेंज निकालते हैं, फिर रेंज भी निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ गए, रेंज के लिए केसेस लिख लीजिए जल्दी से, रेंज क्या होता है, फिर देखो रेंज में दो केसेस बनते हैं, ठीक है, पहला क्या, अगर आपका डोमेन क्या है, फाइनाइट है, दूसरा केस क्या है, डोमेन आपका क्या है, इनफाइनाइट है, पहला केस क्या है, डोमेन इज फाइनाइट, दूसरा केस क्या बन रहा है, डोमेन इज इनफाइनाइट, का मतलब क्या है, जैसे r है या फिर क्या है, r माइनस कुछ समथिंग लिखा है, r माइनस समथिंग कुछ लिखा है, मतलब r में तो इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, r है या तो r माइनस समथिंग कुछ लिखा, फाइनाइट का मतलब काउंटेबल नंबर है, कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर r है और फंक्शन हमारा क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो डोमेन का मतलब सभी x की वैल्यू हम जान गए हैं, तो रेंज क्या होगा इसका, तो इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है, जो x की वैल्यू हम फंक्शन में रखेंगे मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज, फाइनाइट अगर हमने वैल्यूज निकाली हैं डोमेन की, तो x की वैल्यू रखने पे फंक्शन की जो वैल्यूज आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, रेंज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो फाइनाइट वैल्यू है तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ
एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज रखेंगे, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वही इसका क्या हो जाएगा रेंज। लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो उस केस में क्या करिएगा, इनफाइनाइट है तो इस केस में क्या करिएगा रेंज में, तब यहां रेंज के लिए क्या ध्यान में रखना पड़ेगा ये समझ लो, मैं बता दे रहा हूं चलते चलते। इनफाइनाइट है तो यहां से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था ना, हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, राइट x इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में लिखेंगे, मतलब x की वैल्यू कुछ f इनवर्स y टाइप का लिख लेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे कुछ f इनवर्स y टाइप का लिख लेंगे, मतलब x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे y के टर्म में लिख लेंगे हम भैया, फिर क्या करेंगे y की वो सभी वैल्यू निकालेंगे लिए जिसके लिए x क्या होगा, तब इसके रेंज में क्या आ जाएगा, तब इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तब इसका रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल y फॉर विच x इज रियल, सेट ऑफ ऑल y फॉर विच x इज व्हाट रियल, मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो वो y की वैल्यूज जिसके लिए x क्या है रियल आए वही इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात, ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाते हैं, बड़ी जल्दी से समझाते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, देखो तो जल्दी से देख लो भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने कह दिया 1/(x-2), इसके डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आएगा भैया इसका पूरा पूरा आर आ जाएगा, बस 2 नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा आर आ जाएगा बस 2 नहीं आना चाहिए, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू क्या मान लेंगे 1/(x-2), इसको सॉल्व करेंगे तो 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा x-2, तो -2 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा भैया जरा बताओ, x इक्वल टू हो जाएगा 1/y+2, लेकिन y की वैल्यू जब 0 होगी तो x वैल्यू रियल आएगी क्या, नहीं इनफाइनाइट आ जाएगा ना, ये इनफाइनाइट आ जाएगा कि नहीं, y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 इस केस में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब पूरा पूरा रियल नंबर आ जाएगा, इसका मतलब रेंज में पूरा पूरा रियल नंबर आ जाएगा लेकिन क्या नहीं आना चाहिए 0 नहीं आएगा क्योंकि y की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, इज इट क्लियर, नोट कर लो, फिर डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ओके ठीक है।